नमस्कार साथियों। और भाई क्या हाल है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर को। इससे पहले हम लोगों ने देखा था आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स को देख चुका था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देख चुका था और एटॉमिक ऑर्बिटल, इन तीनों ही टॉपिक को इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था और डिटेल में चर्चा किया था। और ये भी जाना था कि जेएसएससी के परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों के बनने की संभावना है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जेएसएससी पीजीटी और जेएसएससी लैब असिस्टेंट और टेक्निकल, इन तीनों ही जो एग्ज़ाम होने वाला है इन तीनों ही का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, तो तीनों को हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो दिया गया था ये एरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। और इससे पहले जो प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा डी ब्रोगली डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, डी ब्रोगली डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों ही प्रिंसिपल के द्वारा उन्होंने श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन दिया था और इसी के कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डी ब्रोगली जो मैटर वेव्स हम लोगों ने पढ़ा वो क्या होता है। ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, डिटेल में इसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिविज़न करवा देता हूँ। जैसा कि लाइट डुअल बिहेवियर शो करता है, अर्थात कि लाइट वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये दोनों ही नेचर शो करता है। ये चीज़ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कहा गया था। ठीक है, उसी के बारे में हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया था, एच इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। ठीक है, उसका यूज़ होगा आज हम लोग का यहाँ पे। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अर्थात कि किसी एक टाइम में अगर आप मोमेंटम किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का, जैसे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन एक ही समय में आप निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हैं, उसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अर्थात कि मोमेंटम और उसका जो पोजीशन है उसमें किसी ना किसी प्रकार का एरर आपको देखने को मिलेगा अगर आप एक ही टाइम में फाइंड करते हैं, तो उसको भी आज हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। द इक्वेशन इज नेम्ड आफ्टर एरविन श्रोडिंगर हु पोस्टुलेटेड द इक्वेशन इन 1925 एंड पब्लिश्ड इट इन 1926, फॉर्मिंग द बेसिस फॉर द वर्क दैट रिजल्टेड इन हिज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933। ठीक है, तो इन डेट्स को याद रखेंगे, जेएसएससी का एग्जाम है तो इन डेट्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया गया था ये दिया गया था एरविन श्रोडिंगर के द्वारा, उन्होंने इसे बना करके तैयार किया था 1925 में और इसको पब्लिश किया गया था 1926 में। ये चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और इसी के कारण इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के चलते एरविन श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज़ दिया था 1933 में, नोबेल प्राइज़ उसे मिला था, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन डी ब्रोगली डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉन एज श्रोडिंगर इक्वेशन। ये किस पर बेस्ड है? ये डी ब्रोगली डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पे बेस्ड है और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो दिया गया था ये सभी डायमेंशन में दिया गया, जैसे कि 1D के लिए भी दिया गया था, 2D के लिए भी दिया गया था, 3D के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हमें नहीं जानना है, सिंपल जो इक्वेशन दिया गया है उसके बारे में जानना है। ठीक है, उतना डीपली हमें नहीं जाना है। कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट वेरियस पॉइंट इन एन एटम वॉज द मेन एस्पेक्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया क्यों था? ठीक है, ऐसे ही तो किसी को इक्वेशन के फॉर्म पर नहीं बना दिया जाएगा। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, तो वो रीज़न था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लेते हैं कोई डायमेंशन, जैसे कि 1D बॉक्स लेते हैं या फिर 2D बॉक्स लेते हैं, मान लेते हैं ये 1D का कोई एरिया है जिसमें वी इज इक्वल टू 0 से वी इज इक्वल टू इधर इन्फिनाइट। ठीक है, इसके बीच वी इज इक्वल टू 0 है और दोनों साइड इन्फिनाइट है, इनके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का किस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसको फाइंड करने का जो प्रोबेबिलिटी दिया गया था उसी को हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसी जगह पर फाइंड करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन के रूप में दिया गया था, जिसे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके डेरिवेशन को जानते हैं। वैसे डेरिवेशन तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा, तो आप इसलिए जानेंगे क्योंकि कुछ कुछ बीच के पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो मैं उनको भी बताते हुए चलूंगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो टोटल एनर्जी होता है इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग टोटल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग भी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे के ई है और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पी ई के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू एम वी स्क्वायर बाई एम, एम से गुना किया और एम से भागा किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हाफ इंटू एम वी स्क्वायर बाई एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़े थे P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, ठीक है। P अर्थात क्या होता है, मोमेंटम, तो उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। एम बी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, ये हम लोगों ने पढ़ा था, P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, यही है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एम बी के जगह में हम लोग पुट करेंगे एच बाई लेमडा, ठीक है, ऊपर में जो एम बी है इसके जगह में पुट कर देते हैं हम लोग एच बाई लेमडा। तो जैसे ही हम लोग एच बाई लेमडा पुट करेंगे तो इस प्रकार का इक्वेशन हमारे पास आएगा, इसको अरेंज करेंगे तो एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ऊपर में जो इक्वेशन 1 था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन, जो इक्वेशन 2 हम लोग का आया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 आया, ये किसका वैल्यू आया, ये एम बी स्क्वायर, माफ कीजिएगा, जो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू आया एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ही रहने दिए हैं, ठीक है। तो इसको एच स्क्वायर बाई 2 लैम्डा स्क्वायर m इज इक्वल टू E बाई भी लिख सकते हैं, लेमडा को इधर रहने देंगे, लेमडा को इधर लेके आएंगे, ई माइनस बी को इधर नीचे लेके आएंगे, तो इक्वेशन आपका हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2 एम ई माइनस बी, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आप एक चीज याद रखेंगे, फिजिक्स में आप इस चीज को पढ़े होंगे, फॉर मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इन एक्स डायरेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, कोई भी मूविंग पार्टिकल मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, कोई एक्स डायरेक्शन में कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लेमडा स्क्वायर आया है, वेवलेंथ आया है, वो ऊपर में जो हम लोग का आया था लेमडा स्क्वायर, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है ऐसा बन के आएगा, इसको अरेंज करेंगे तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस बी साई, ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को अगर मतलब हम लोग अगर थिन एक्सिस में देखना चाहे दिखाना चाहे, जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इन तीनों ही एक्सिस में दिखाना चाहे तो इस प्रकार दिखा सकते हैं। ये तो एक एक्सिस का हो गया, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस में इस प्रकार हो गया डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर ये वाई एक्सिस के लिए लगा है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर ये जेड एक्सिस के लिए लगा है, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस पी साई इज इक्वल टू जीरो, ये तीनों एक्सिस के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछा जाता है और पक्का आपको अगर इस टॉपिक से पूछा जाता है तो उसमें पूछा ही जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम लोग अरेंज करके इस प्रकार लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई बाई डेल स्क्वायर इसको इधर ही रहने देते हैं और इसको उस साइड ले जाते हैं, ठीक है, इक्वल टू जीरो, जीरो के उस साइड अगर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में था इधर आ जाएगा जीरो का तो इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एच स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे लाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई इज इक्वल टू ई साई, इसको भी अलग अलग कर दिए, ई साई इधर आ गया, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग करेंगे। अब इन टोटल वैल्यू को, इस टोटल वैल्यू को हम लोग यहाँ जो टोटल वैल्यू है इसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं, अर्थात कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से क्वेश्चन आता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया और इसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन सकता है कि राइट श्रोडिंगर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन फॉर्म। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में एस आई इज इक्वल टू ई साई होता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का जो फॉर्म ये है उसका वैल्यू है वो इस प्रकार होगा, एच इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का वैल्यू है, ये आप याद रखेंगे। अब जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहला याद रखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किन दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन सा? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको कब पब्लिश किया गया था, 1926 में। और याद रखेंगे श्रोडिंगर को किस लिए नोबेल प्राइज मिला था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए फिजिक्स में मिला था, 1933 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, ये चीज याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे पी का वैल्यू, पी इज इक्वल टू जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, पी मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, ये हम लोगों ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ा था। यहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, माफ कीजिएगा, एच जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है इसका वैल्यू याद रखेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। इससे पहले भी हम लोगों ने बताया था, ये जो एच यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू याद रखेंगे। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इस प्रकार होगा, तीनों डायरेक्शन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस प्रकार होगा, इसे भी याद रखेंगे। हैमिल्टोनियन फॉर्म में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई, जहाँ पे ये जो एच है इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है। इसका साइन क्या होता है, ये एच होता है, एच के ऊपर में कैप लगा होता है। ठीक है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है और इन फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का जो वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये एच का वैल्यू है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का वैल्यू है, इतना चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दो चीज़ें हम लोग के पास, साई एंड साई स्क्वायर, इन दोनों का मीनिंग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। साई का जो मीनिंग होता है वो होता है कि वेव फंक्शन, और ये वेव एप्टीट्यूड भी कहा जाता है। इसको आप कह सकते हैं कि एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल है उसको हम लोग साई कहते हैं। ठीक है, अर्थात कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी जानकारियां रखती है वो कौन रखता है, साई रखता है। और साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के अंदर किस जगह पे इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग फाइंड करने के लिए साई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट है, चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पहले साई के बारे में देख लेते हैं। साई डिस्क्राइब्स द वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड वेव फंक्शन विच डिस्क्राइब्स एप्लीट्यूड ऑफ वेव, इट इज हाफ ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड टॉप। ठीक है, तो साई क्या है, वेव बिहेवियर को शो करता है इलेक्ट्रॉन का, और जैसे कि हम लोग जानते हैं वेव इस प्रकार से ट्रेवल करता है, तो साई में भी प्लस और पॉजिटिव, ये प्लस और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर क्रेस्ट होता है तो प्लस होगा, अगर नीचे अगर टफ होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं वेव इस प्रकार प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, तो ऊपर होगा तो प्लस साई, नीचे होगा तो माइनस साई, याद रखेंगे ये वेव नेचर को शो करता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, साई किसी इलेक्ट्रॉन पाथ की वेव एप्टीट्यूड है, इसे हम लोग वेव एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, याद रखेंगे इन वर्ड को। ठीक है, और इसका वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। साई इज ऑलवेज फिनाइट, हमेशा फिनाइट होगा, सिंगल वैल्यूड होगा और कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। वेव फंक्शन को मैंने अभी बताया, साई को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, और चूंकि एक एटम के अंदर बहुत सारे साई का वैल्यू हो सकता है, तो इसीलिए बहुत सारे उसमें ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो एक इन शॉर्ट अगर हम लोग कहना चाहें तो साई इट कंटेन्स ऑल द डायनेमिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, साई से मिलता है। ठीक है, अर्थात कि एटम में जो
भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारियाँ मिलती है वो हमें ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई से हमें मिलता है, जो कि साई में उपस्थित होता है। और एक चीज़ याद रखेंगे साई के बारे में, इसमें ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है और इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, जबकि साई स्क्वायर का जो है वो साई स्क्वायर का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है और साई स्क्वायर का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, साई का कोई भी अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये केवल मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ठीक है, तो साई के बारे में इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। उसके बाद जानते हैं साई स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक जगह हमें इलेक्ट्रॉन कितना है उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग साई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। किसी एटम में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पर ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखेंगे साई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि साई का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर का वैल्यू केवल पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा साई स्क्वायर का, इस प्रकार बनेगा, क्योंकि ये नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव इसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाएंगे तो इस प्रकार से हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे बीच के जहां हम लोग को मिल फाइंड करने का जरूरत पड़ेगा उसके बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इनटू डीवी ऐसे करेंगे। इन्फिनाइट के बीच में हम लोग माइनस इन्फिनाइट से प्लस, प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, डेल स्क्वायर माफ कीजिएगा साई स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू वन, ये होता है साई स्क्वायर का वैल्यू, हमेशा वन होता है इन्फिनाइट के अंदर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, याद रखेंगे साई स्क्वायर की वैल्यू हाई होने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होता है, और साई स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो होता है तो प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, अगर उसके प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर का वैल्यू कम होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी भी कम होता है। ठीक है, मैक्स बोर्न के अकॉर्डिंग साई स्क्वायर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संख्या को हम लोग साई स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर बताता है। किसी स्मॉल वॉल्यूम जैसे कि dx, dy, dz में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका हम लोग साई स्क्वायर dx, dy, dz ऐसे हम लोग दिखाते हैं, साई स्क्वायर इज इक्वल टू dv होता है। ठीक है, जैसे कि 0 से a के बीच में अगर हम लोग दर्शाएंगे तो साई स्क्वायर dv, ये इस प्रकार हम लोग प्रोबेबिलिटी को दिखा सकते हैं। इसी को हम लोग साई स्क्वायर 4 u पाई आर स्क्वायर डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज से जान लेंगे साई और साई स्क्वायर से। चलिए जानते हैं कि इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखेंगे साई और साई स्क्वायर में क्या अंतर है। साई जो होता है ये वेव फंक्शन होता है, इसे वेव एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के नेचर को शो करता है। इलेक्ट्रॉन के जो भी डायनेमिक इन्फॉर्मेशन होता है वो साई में पाया जाता है। साई का किसी भी प्रकार का फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, साई में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। ठीक है, जबकि साई स्क्वायर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है तो उसको हम लोग साई स्क्वायर के द्वारा दर्शाते हैं। साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, किसी दो पॉइंट के बीच में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार इंटीग्रेट करेंगे साई स्क्वायर को। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे साई स्क्वायर अगर अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन के पाने जाने की संभावना भी अधिक होता है। अगर उस साई स्क्वायर का वैल्यू लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी लो होता है। साई स्क्वायर का जो वैल्यू अगर जीरो होता है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी जीरो होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, साई स्क्वायर का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो मैथमेटिकल फंक्शन है, जबकि साई स्क्वायर जो होता है उसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और साई एंड साई स्क्वायर से। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वांटम नंबर्स के साथ, उसके बाद रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में भी आगे जानेंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के वीडियोस के प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।